हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में अपना लेसन नंबर 5 मृदा अभिक्रिया चल रहा है। इसमें अपन आज डिस्कस करेंगे मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन किन कारकों के द्वारा होता है। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था पीएच स्केल तथा मृदा अभिक्रिया कोलाइडी नियंत्रण या मृदा कोलाइडी अभिक्रिया नियंत्रण के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे अपन कि मृदा पीएच में परिवर्तन क्यों होता है, ऐसे कौन से कारक मृदा में आ जाते हैं जिससे पीएच में वृद्धि या कमी हो जाती है, अम्लता या क्षारकता में वृद्धि या कमी हो जाती है, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। यहां पर दो प्रकार के कारक होते हैं। कौन से कारक होते हैं? दो प्रकार के कारक होते हैं। नंबर एक तो लेंगे अपन कौन से, अम्ल उत्पादक कारक। किसकी बात करेंगे? अम्ल उत्पादक कारक, अम्ल उत्पादक कारक। और दूसरी बात करेंगे अपन कौन से, क्षार उत्पादक कारक, क्षार उत्पादक कारक, उत्पादक कारक। बेटा अम्ल उत्पादक कारक क्या करेंगे, अम्लता बढ़ाएंगे जिससे पीएच में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। क्षार उत्पादक कारक क्या करेंगे, क्षारकता बढ़ाएंगे जिससे पीएच में क्या होगी, वृद्धि होगी। अम्लता बढ़ने पर पीएच में कमी होती है, क्षारकता बढ़ने पर पीएच में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं हम किसकी, अम्ल उत्पादक कारक की। इसकी बात करते हैं बेटा अम्ल उत्पादक कारक की। जैसे अपने पास में कार्बनिक यौगिक का विघटन होता है, कार्बनिक यौगिकों का विघटन होता है, तो यहां से दो अम्ल मिलते हैं। एक तो मिलते हैं अपन को कार्बनिक अम्ल, कौन सा अम्ल मिलता है, कार्बनिक अम्ल। और एक कौन सा मिलता है अपन को, अकार्बनिक अम्ल, कौन सा मिलता है, अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का विच्छेदन जो होता है वो दो प्रकार के अम्लों में होता है, कार्बनिक अम्ल में और अकार्बनिक अम्ल में। तो यहां पर कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल किस प्रकार से आपके पीएच में परिवर्तन करते हैं वो देखते हैं। तो आपका जो कार्बनिक अम्ल है उसको अपन क्या ले सकते हैं, H2CO3। कहां से आता है ये, कार्बनिक यौगिकों के विच्छेदन से, जिससे अपन को यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, H2O+CO2। क्या कह सकते हैं, H2 और CO2 के मिलने से क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल। ये दोनों अभिक्रिया आपकी चलती रहती है। H2CO3 क्या बनाएंगे, टूट के H2 और CO2, और H2 और CO2 मिलकर क्या बनाएंगे, H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएंगे बेटा, कार्बोनिक अम्ल। और ये कार्बोनिक अम्ल टूट के क्या देगा अपन को, H+HCO3-। क्या देगा, H+HCO3-। और H+ के बढ़ने से क्या बढ़ेगी, अम्लता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बेटा, अम्लता बढ़ेगी। और पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर बेटा, यहां से कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। इसकी बात की अपन ने, कार्बनिक अम्ल कौन सा, कार्बोनिक अम्ल, जो कहां से आया अपने पास में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से। तो यहां पर ये टू भी क्या दे रहा है, H+, और H+ के बढ़ने से क्या बढ़ती है, अम्लता, और अम्लता के बढ़ने से पीएच के मान में कमी आ जाती है। दूसरी बात करते हैं अपन किसकी, अकार्बनिक अम्ल, जैसे H2SO4HNO3, H2SO4HNO3। क्लियर बेटा, इनका निर्माण कहां से होता है, ये आपके सल्फर और नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं, उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होने से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल
बनते हैं जो क्या देंगे, विघटन के पश्चात H प्लस देंगे, क्या देंगे H प्लस देंगे, यहाँ पर विघटन होगा तो क्या देंगे बेटा H प्लस देंगे, H प्लस के बढ़ने से क्या होगी अम्लता बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी अम्लता बढ़ जाएगी और आपकी पीएच के मान में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, जितनी कम पीएच है उतनी ही अम्लता ज्यादा होगी, या मैं कहूं जितनी अम्लता ज्यादा है उतनी ही पीएच क्या होगी कम होगी, ये क्या है आपके अकार्बनिक अम्ल है, क्या ये अकार्बनिक अम्ल H2SO4HNO3 जो नाइट्रोजन और सल्फर युक्त उर्वरकों के माध्यम से मृदा में आते हैं, जिनका विघटन कौन करता है सूक्ष्म जीव करते हैं, जिससे पंखो क्या मिलता है H प्लस मिलता है, H प्लस क्या बढ़ाता है अम्लता बढ़ाता है और पीएच के मान में क्या कर देता है कमी कर देता है। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल क्या करते हैं अम्लता को बढ़ाते हैं और पीएच को कम करते हैं। इसी प्रकार नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने पर, इसकी बात करूं मैं, नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने पर, नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने पर क्षारों की लीचिंग, लीचिंग को इतनी बोलते बेटा निक्षालन दुलना या टूटना, ध्यान देना बेटा यहां पर लीचिंग को इतनी क्या बोलते हैं निक्षालन टूटना या दुलना। नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षारों की लीचिंग निक्षालन हो जाता है, इससे क्षार कम हो जाएंगे तो क्या बढ़ेगी आपकी अम्लता बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है अम्लता बढ़ जाती है और पीएच के मान में क्या हो जाती है कमी हो जाती है, पीएच के मान में क्या हो जाती है कमी हो जाती है। इस तरह से ये तीनों कारक आपके क्या कहलाते हैं अम्ल उत्पादक कारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा अम्ल उत्पादक कारक कहलाते हैं, जो अम्लता को प्रभावित करते हैं जिससे पीएच में परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं अपन किसकी क्षार उत्पादक कारक, किसकी बात करते हैं बेटा क्षार उत्पादक कारक। देखिए आप क्षार उत्पादक कारक में अपन कौन कौन से लेंगे, सबसे पहले आप देखो मृदा कोलाइडी में क्या होता है आपका भस्म विनिमय, मृदा कोलाइड सतह पर क्या होता है भस्म विनिमय, भस्म का मतलब होता है धनायन विनिमय किनका होता है विनिमय, ध्यान दीजिए कैल्शियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, सोडियम का होता है और पोटेशियम का होता है, तो इससे मृदा कोलाइड की सतह पर इनका क्या बढ़ जाता है अधिशोषण बढ़ जाता है, क्या होता है अधिशोषण, क्या होता है बेटा अधिशोषण, कहां पर होता है ये सतह पर, इसकी मृदा कोलाइड की सतह पर, इस पे होता है मृदा कोलाइड की सतह पर। जब यहां पर ये आयन क्या है, कौन से आयन है बेटा ये क्षारीय आयन, कौन से आयन है क्षारीय आयन, और क्षारीय आयन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्षारकता बढ़ेगी और पीएच के मान में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, तो मुख्य कार्य कौन सा हुआ धनायन विनिमय, कौन सा हुआ बेटा धनायन विनिमय, ऐसे धनायन मृदा की सतह पर आ जाते हैं जो अधिक क्षारीय होते हैं जिससे पीएच के मान में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, पीएच के मान में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अब बात करें अपन यहां पर अगर मृदा सतह पर क्या मिला दे अपन चूना पत्थर मिला दे, क्या मिला दे चूना पत्थर मिला दे, चूना पत्थर मिला दे तो उसमें कौन से धात्विक धनायन, कौन से धात्विक धनायन में वृद्धि हो जाती है और ये पीएच के मान में भी वृद्धि करते हैं। अगर मृदा में क्या मिला दे अपन चूना पत्थर मिला दे
तो वहां पर धात्विक धनाइन जैसे कैल्शियम, धात्विक धनाइन जैसे कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्षारकता बढ़ जाती है और पीएच के मान में वृद्धि हो जाती है। दो कारक हो गए बेटा आपका, एक तो कौन सा धनाइन विनिमय, राइट, जिससे कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है, क्षारकता बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी। दूसरा मृदा में कौन आ जाए, चूना पत्र मिला दे तो कौन से बढ़ेंगे, धात्विक धनाइन जैसे कैल्शियम, तो क्षारकता बढ़ेगी तो पीएच का मान बढ़ जाएगा। तीसरी बात करें अपन सिंचाई जल, कौन सा सिंचाई जल में क्या होती है, लवण की मात्रा अधिक होती है, क्या होती है, लवण की मात्रा अधिक होने के कारण, होने के कारण क्या होता है, क्षारों की लीचिंग, अभी बताया था आपको लीचिंग नहीं हो पाती है, नहीं होती है, जिससे क्या होगी क्षारकता बढ़ जाती है, तो पीएच का मान भी क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, सिंचाई जल में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण क्षारों की लीचिंग निक्षालन टूटना नहीं होता है, तो क्षार नहीं टूटेंगे तो क्या बढ़ेगी, क्षारकता बढ़ेगी, जिससे पीएच के मान में वृद्धि हो जाएगी। ये आपका तीसरा क्या है, क्षार उत्पादक कारक है। अब बात करें अपन शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशों में क्या होती है, वर्षा बहुत कम होती है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, इसकी बात की बेटा अपन ने शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में, अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा क्या होती है, वर्षा कम होती है, क्या होती है बेटा, वर्षा कम होती है, जिसके कारण वहां पर क्षार क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, क्षार एकत्रित हो जाएंगे, क्षार क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, क्या नहीं हो रही वहां पर, लीचिंग निक्षालन नहीं हो रही, निक्षालन नहीं होता है, जिससे क्या हो जाएंगे, क्षार एकत्रित हो जाएंगे। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा कम होने के कारण लीचिंग का मतलब होता है निक्षालन, निकलना, धुलना, जैसे अपन कपड़े धोते हैं ना, सेम वही चीज प्रोसेस है आपकी, उसमें से क्या निकल जाता है, आपकी गंदगी निकल जाती है, तो सेम वही चीज है आपकी, लीचिंग का मतलब होता है धुलना, टूटना, बाहर निकलना, निक्षालन, क्षार क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, और क्या बढ़ेगी आपकी, क्षारकता बढ़ेगी, और क्षारकता बढ़ने से क्या होगा, पीएच का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पीएच का मान बढ़ जाएगा। इस तरह से पहला कारक कौन सा हो गया, धनायन विनिमय, दूसरा कारक कौन सा हो गया, चूना पत्र मिलाने से, तीसरा क्या हो गया, सिंचाई जल में उपस्थित लवण की मात्रा, और चौथा जल कारक क्या हो गया, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में वर्षा की कमी, इन सब कारकों के कारण क्षार की मात्रा बढ़ जाती है और पीएच का मान बढ़ जाता है। अतः इन अम्ल और क्षार उत्पादक कारकों से मृदा पीएच में परिवर्तन होता है। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यहां से क्वेश्चन आपका जो बनता है वो सीधा सीधा बनेगा कि क्वेश्चन जो बनेगा क्या बनेगा कि मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन होने वाले कारकों के नाम लिखिए, या मृदा पीएच किन कारकों के द्वारा परिवर्तन होती है समझाइए, या अम्ल उत्पादक कारक व क्षार उत्पादक कारक क्या होते हैं समझाइए, अम्ल उत्पादक कारक क्षार उत्पादक कारक क्या होते हैं समझाइए, ये सारी चीजें आपको उसमें लिख के आनी है। क्लियर बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। Thank you.